तो well, वेल यहां पे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी लेट्स राइट को चलिए तो लेट्स राइट पे हम आ चुके हैं एंड यहां पे ये वाला जो हमारी एक्सरसाइज का पार्ट है हम इस पर काम करने वाले हैं तो लेट्स राइट का क्या मतलब होता है लिखना ठीक है तो हमें जहां पे लिखना है कुछ एनी anyway, क्या लिखना है एंड यहाँ पे हम करेंगे द वर्ड्स इन द क्लाउड्स डिस्क्राइब सम थिंग आर सम इन द स्टोरी ये जो नीचे क्लाउड्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हैं जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं या कुछ बताते हैं ये वाले हमारे क्लाउड से ये वाला जो इस तरह से है ये हमारा क्लाउड है बादलों की तरह है इसके अंदर जो वर्ड्स है ये कुछ डिस्क्राइब करते हैं या कुछ बताते हैं किसी की स्टोरी बनाते बताते हैं नेम देम इन द ब्लैंक्स प्रोवाइडेड ठीक है ना इनका हमें नाम बताना है इन ब्लैंक्स के अंदर मेक सेंटेंस ऑफ यूर ओवन विद द वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड्स ठीक है ना ये जो क्लाउड्स के अंदर वर्ड्स दिए हैं हमें जो है इन पे जो है एक सेंटेंस बनाना है ठीक है तो चलिए कैसे हम करेंगे पहला हमारा कौन सा वर्ड है पहला हमारा वर्ड है वाइस ठीक है ना ये वाला हमारा कौन सा वर्ड है ये है हमारा वाइस तो वाइस में हम क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं वाइस का मतलब होता है अकलमंद अक्लमंदा जिसको हो समझ ठीक है ना तो हम लिखेंगे ऑलवेज लिसन टू वाइस मैन ऑलवेज ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज लिसन एल आई एस टी ई एन लिसन टू टी ओ टू वाइज डब्ल्यू आई एस वाइज एम ई एन मैन ठीक है ना हमेशा जो अकलमंद लोग हैं उनकी सुनो ठीक है ऑलवेज लिसन टू वाइज मैन ठीक है उसके बाद क्या है केयरलेस केयरलेस uh, क्या होता है केयरलेस होता है जो किसी की ख्याल नहीं रखता ठीक है ना तो uh, हम इस पर क्या सेंटेंस बनाएंगे एक्सीडेंट्स ए डबल सी आई डी ई एन टी एस एक्सीडेंट्स ठीक है

चलिए तो थिक एंड स्ट्रांग पे हम क्या बनाएंगे थिक का होता है मोटा एंड स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत जैसा क्रीपर बन गया था ठीक है द रॉब मस्ट बी थिक एंड स्ट्रांग ठीक है ना तो हमारा जो रस्सा है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे द टी एच ई द रोप आर ओ पी ई रोप मस्ट रोप का मतलब होता है रस्सा मस्ट बी थिक टी एच आई सी के थिक एंड एन टी एंड एस टी आर ओ एन जी स्ट्रांग जो हमारा रसा है वो मोटा भी होना चाहिए और स्ट्रांग भी होना चाहिए फुलिश फुलिश का मतलब होता है बेवकूफ एंड हम क्या सेंटेंसेस पे बनाएंगे बेटा हम बनाएंगे डोंट पे अटेंशन टू दैट फुलिश गाय ठीक है तो डोंट डी ओ एन टी डोंट पे टी ए वाई पे अटेंशन टी टी ई एन टी आई ओ एन अटेंशन डोंट पे अटेंशन टू टी टू टी एच ए टी दैट फुल गाय ठीक है ना उस बेवकूफ आदमी की तरफ ध्यान मत दो देन वी हैव टाल, टाल का मतलब होता है लंबा लंबा क्या होता है ही इज टालफ टू रीच द टॉप ऑफ द बुक शेल्फ वो इतना लंबा है कि जो बुक शेल्फ है वो उसके टॉप तक पहुंच जाता है ही इज टॉल एनफ एच एच ही ही इज आई एस एस टी ए एल टॉल ई एन ओ यू एफ एन एन ओ यू जी एच इज टॉल एनफ टू टी ओ टू रीच द टॉप ऑफ द बुक शेल्फ टू रीच आर ई ए सी एच रीच द टॉप टी ओ पी टॉप ओ एफ ऑफ बुक बी ओ के बुक शेल्फ एच एच ई एल एफ शेल्फ ठीक है तो ये हो गया हमारा टॉल पे भी सेंटेंस आते है, next. अब है हमारा क्वेश्चन सेकेंड ठीक है तो लेट्स राइट या क्वेश्चन सेकेंड है Here are some answers about the given picture. ये वाली जो है हमारी पिक्चर है इस पे कुछ आंसर दे रखे हैं इसने जहाँ पे कलर ऑफ दर्ट इज ब्लैक ये जो आंट है इसका कलर ब्लैक है ओके okay. दूसरा है इट लीव ऑन लैंड ये वाले कहाती है लैंड पे रहती है इट हैजू लॉन्ग एंटेना इसके जो है दो लंबे एंटीना है ऊपर से ये जो सिंगों की तरह हमें दिख रहे हैं स्टिंग से इसके जो है दो लंबे एंटीना है इट कराल ग्राउंड ये जो है कराल करती है धीरे धीरे चलती है किस पे ग्राउंड पे इट ईट्स शुगर ये किसको खाती है ये खाती है चीनी को नाउ फ्रेम क्वेश्चन द दब आंसर्स जो ऊपर आंसर्स दिए गए हैं इनके लिए हमें बनाने हैं क्वेश्चन ठीक है तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे बनाएंगे पहला हमारा आंसर क्या था कलर ऑफ द आर्ट इज़ ब्लैक जो हमारी आंट है उसका कलर है ब्लैक तो इसके लिए हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे अगर हमें किसी इस किसी को इसका क्वेश्चन पूछा हो तो हम पूछेंगे कि आंट किस कलर की होती है ठीक है ना तो हमारा पहले का क्या होगा हमारा पहला होगा वट इज द कलर ऑफ द आंट वाट डब्ल्यू एच ई टी वाट इज आई गेस इज द टी एच ई द कलर सी ओ एल ओ श्यूअर कलर ऑफ ओ एफ ऑफ वट इज द कलर ऑफ द टी एच ई द आंट ए एन टी आई हमारे आंट की कौन सा कलर होता है तो उसका आंसर क्या होगा द कलर ऑफ आंट इज़ ब्लैक दूसरा है इट लीज़ ऑन लैंड तो इसके लिए हम कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे बेटा तो हम ये जो है जमीन पे रहती है तो हम पूछेंगे किसी से वेयर डज इट लिव ठीक है डब्ल्यू एच ई आर ई वेयर डी ओ एस डॉस आई टी एट एल ई ए वी ई ये कहाँ पर रहती है ठीक है तो ये कहाँ पर रहती है ये रहती है जी आंसर देगा इट लीवन लैंड ये लेट पे रहती है तो ठीक है जहाँ पे जो है हमने लीव के स्पेलिंग गलत लिखे हैं एंड हमें जो है जहाँ पे लिखने हैं एल आई वी एल आई वी ई लीव और उसके बाद क्वेश्चन मार्क ठीक है हमारा है अब थर्ड थर्ड क्वेश्चन है क्या है इट हैज टू लॉन्ग एंटेना ठीक है ना इसके दो लॉन्ग एंटेना होते हैं लंबे लॉन्ग एंटेना होते हैं हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मैनी एंटेना डज इट हैव तो हाउ एच शो डब यू हाउ मैनी एम ए एन वाई मैनी एंटीना ए एन ठीक है टी ई एन एन एंटीना एंटीना डी एस डी टी इट हैच ए वीई है उसके बाद क्वेश्चन मार्क ठीक है सवाल हम पूछ रहे हैं तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे आई वी आई वी अब हमारा कौन सा है आई वी है हमारा फोर्थ पार्ट ठीक है ना तो आई वी का हम जहां पे लिखेंगे एंड चलिए मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं आई वी ठीक है बच्चे आई वी फोर्थ वाले का इट क्रॉल्स ऑन द ऑन द ग्राउंड ये ग्राउंड पे क्रॉल करती है ठीक है तो हम इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछेंगे हाउ डज ठीक है ना हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड ठीक है ना How हाउ एच ओ does हाउ डाज टी it एस it मूव एम ओ वी मूव ऑन ओ on ऑन टी एच the ground G R O U N D ये ग्राउंड पे कैसे मूव करती है तो ये कैसे मूव करती है चेक्राले करके मूव करती है ठीक है ना उसके बाद है हमारा फिफ्थ फिफ्थ ये वाला है इट इट्स शुगर तो हम सवाल पूछेंगे क्या है आंसर ये

टू एट ऑफ ऑन एन एन टू विद ठीक है ना तो प्रीपोजिशंस बेटा हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मदद हम लेते हैं अपने जो है सेंटेंसेस के अंदर दूसरे वर्ड्स को जोड़ने के लिए या उनमें से मकसद निकालने के लिए ठीक है ना जिस तरह से टू है एट है ऑफ है ऑन है इन in है एन टू है विद है ठीक है ना ये ऐसे वर्ड्स होते हैं ठीक है ना छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जिस इनको हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसों के अंदर जुमलों के अंदर ना ताकि हमारे बीच जो है एक्चुअल में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते थे इन डिटेल ये चीज हम बाद में समझेंगे फिलहाल हम जो है इनको यूज करते हैं सेंटेंस में कोई मकसद निकालने के लिए चलिए तो फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करनी है पहली हमारे लिए इसने कर रखी है दिस ट्री वॉज द होम ऑफ डैश डैश फ्लॉक ऑफ वाइल्ड चीज ये वाला जो ट्री था ये घर था किसका इसने डैश के अंदर क्या भरा ऑफ ऑफ बरा ऑफ जो था हमारा ठीक है प्रीपोजिशन था इसने ऑफ बरा ऑफ ए वाइल्ड चीज ठीक है ही क्रीपर ठीक है ना उसने नोटिस किया किसने हमने देखा था पहले जो ओल्ड गूज था उसने नोटिस किया था किसको क्रीपर को ठीक है ना डैश डैश द फुट ऑफ द ट्री तो इसमें से हमें देखना है इस डैश के अंदर क्या आएगा इस डैश के अंदर आएगा एट ठीक है ना तो क्रीपर इसने देखा कहाँ पे एट द फुट ऑफ द ट्री इट वुड बी ए पी टी डैश डैश डिस्ट्रॉय इट नाव ठीक है ना तो जीज क्या रिप्लाई करते है उसको ये जो है गलत होगा कि हम इस क्रीपर को डिस्ट्रॉय करें तो इस डैश डैश में क्या आएगा ठीक है ना इट वुड बी पी टी टू डिस्ट्रॉय टू डिस्ट्रॉय इट नाव ठीक है ना इसको खत्म करना अभी ठीक नहीं होगा एज दे फ्लीव डैश डैश द ट्री द ट्री देर ट्रैफ्ट ठीक है ना जैसे ही वो उड़ते हैं किसके अंदर ठीक है ना As they फिव एन टू दी आई एन टी ओ एन टू तो इसके अंदर क्या आएगा एन टू जैसे ही वो पेड़ के अंदर आते हैं वो पकड़े जाते हैं उन वो जो है जाल के अंदर फंस जाते हैं द बॉय रेन डैश डैश द डॉग ठीक है ना तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे ठीक है ना न दॉय दॉय रेन डैश डैश द डॉग ठीक है तो ऊपर कौन सा आएगा हमारा इसमें हम लिखेंगे विद द बॉय रेन डॉग ठीक है ना जो बच्चा होता है वो कुत्ते के साथ भागता है dash the डैश डैश तो फ्रॉग होती है वो जंप कर जाती है किसके अंदर दम्प एन टू वेल ठीक है एन टू आई एन टी ओ एन टू वेल ठीक है ना जो हमारी फ्रॉग्स होती है वो जंप कर जाती हैं किसके अंदर कोवे के अंदर द गर्ल वाज थ्रिल्ड डैश डैश सी हार न्यू बाईसाइकल जो बच्ची होती है वो खुश हो जाती है इसकी वजह से आपने टू सी इस डैच के अंदर हम लिखेंगे टू टू सी हर हार नो द बर्ड्स वेयर काट डैश डैश दी नेट ठीक है ना जो बर्ड्स होते थे वो फंस जाते हैं किसके अंदर नेट के अंदर बर्ड्स वेयर कॉट इन द नेट इन द नेट नेट के अंदर फंस जाते हैं द चिल्ड्रन वॉक डैश डैश, डैश द ब्रिज जो तो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं ब्रिज के ऊपर से गुजरते ठीक ठीक है है ना ना ऑन द ब्रिज बच्चे ब्रिज के ऊपर से जाते हैं तो इस डैश के अंदर लिखेंगे हम ऑन तो चलिए ये हमारी जो डैश थी वो होगी उसके बाद हमारा आता है नीचे कंप्लीट द पैराग्राफ इसका है फोर्थ पार्ट हमारा ठीक है ना लेफ्ट राइट का फोर्थ है कंप्लीट द पैराग्राफ विद सूटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ये नीचे जो ऊपर बॉक्स दिखे इसके अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं अराउंड आफ्टर अक्रॉस नेक्स्ट टू एंड टू फ्राम हमें इनको जो है अपनी डैश के अंदर नीचे जो है फिल करना है तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टर आर वी फॉर वन डे एज आई वॉकिंग ठीक है ना एक दिन जब से ही मैं चल रहा था ठीक है क्या कह रहा है वन डे एज आई वॉकिंग ठीक है ना डैश डैश द बिंक ऑफ रिवर जैसे ही मैं जो है एक दिन बिंग के साथ एक रिवर के किनारे किनारे चल रहा था तो क्या हम लिखेंगे इलांग ठीक है ना ए एल ओ एन जी एलोंग द बिंक ऑफ रेवर जैसे ही मैं एक दिन चल रहा था ठीक है ना एक रेवर के किनारे किनारे आई सा माई फ्रेंड रनिंग मैंने अपने दोस्त को दौड़ते हुए देखा ठीक है ना दौड़ते हुए देखा ठीक है ना ठीक है ना डैश डैश द फील्ड कहाँ, फील्ड खेतों के बीच में खेतों के जो है बीच में देख दौड़ते हुए देखा तो क्या लिखेंगे हम एक ए डबल सी आर ओ डबल एस ये वाली डैश हम लिखेंगे इधर एक्रॉस ठीक है चलिए नेक्स्ट द फील्ड ठीक है तो एक्रॉस वाली हम लिखेंगे इसमें एलांक हमने लिख दिया ही वॉज कॉलिंग माई नेम एंड डैश डैश मी ठीक है ना वो जो है क्या कर रहा था मुझे बुला रहा था मुझे आवाजें दे रहा था ठीक है ना और मुझे हाथ हिला रहा था वेविंग एट मी एंड मुझे हाथ हिला रहा था और मुझे आवाज दे रहा था आई स्टॉप मैं रुक गया और उसका इंतजार करने लगा दैश दैश सम ही रीचड वेयर आई I was स्टैंडिंग ठीक है ना तो मैं उसका वेट करता रहा ठीक है ना उसके बाद आफ्टर एफ टी आर आफ्टर सम टाइम ही रीच्ड वेयर आई वाज स्टैंडिंग उसके बाद जो है वो वहाँ पे पहुंचा जहाँ पे मैं खड़ा था ठीक है तो बिल्कुल सिंपल सा है एक बंदा दरिया के किनारे एक दिन जा रहा था एंड उसने देखा खेतों में से एक आदमी जो है दौड़ रहा है उसको आवाज दे रहा है और हाथ हिला रहा है ठीक है ना इसका वेट कर रहा था इसने देखा कि ये इसका दोस्त है कुछ टाइम बाद ये भी इसके पास आ गया तो ये वाला था हमारा एंड कहाँ पे कौन सा वर्ड लगा रहा था ये वाले हमने जो है लगा दिए उसके बाद चलते देखे ही सैड उसके बाद क्या उसने बताया इसके दोस्त ने बताया इसको आई वेंट ऑल डैश डैश लुकिंग फार शू ठीक है ना मैं पूरे अपने जो है गाँव में गया ठीक है ना और मैंने आपको मैं तुझे ढूंढ रहा था आई वेंट ऑल अराउंड ठीक है ना ऑल अराउंड शू तुझे वाला अराउंड भी हो भी हो गया, आफ्टर गया, ठीक है तो मैं क्या कर रहा था मैं तुझे ढूंढ रहा था ठीक है द टाउन लुकिंग फॉर शू नेक्स्ट आई शेव सम न्यूज टू शेयर मेरे पास एक एक्साइटिंग न्यूज है शेयर करने के लिए एक खुशखबरी है शेयर करने के लिए किसके साथ तुम्हारे साथ तो लिखेंगे हम विद यू विद यू 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 रिम्बर द ओल्ड हाउस तुम्हें पता है वो पुराना हाउस ठीक है ना तुम्हें वो पुराना हाउस पता है डैश डैश द नीम ट्री वो पुराना हाउस तुम्हें पता है ठीक है ना जो कहाँ पे है नियर नियर नज़दीक है जो किसके नियर किसके नज़दीक है जो द नीम ट्री नीम ट्री के नज़दीक जो है वो वाला पुराना हाउस तुझे पता है नेक्स्ट वी हैव गैस हु इज मूविंग ठीक है गैस करो कौन मूव कर रहा है एन टू एन टू दैट हाउस गैस करो उस हाउस में कौन जा रहा है कौन रहने आ रहा है उस हाउस में फिर खुद ही रिप्लाई करता है जनकदास जनक दास ग्रेट मैजिशियन वी कैन लर्न लॉट्स ऑफ मैजिक ट्रिक्स जो जतन दास जो जनकदास है एक बहुत बड़ा जो है मैजिशियन है ठीक है ना वो उस घर में रहने आ रहा है ठीक है ना तो अब हम जो है बहुत सी जो ट्रिक्स है वो पाएंगे. सीख पाएंगे किससे सीख पाएंगे मैजिशियन से तो इसके अंदर क्या लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव ठीक है ना वेयर डू यू लिव जिस तरह से एक इसने हमारे लिए कर दिया है दूसरे हमें जो है जहां पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है चलिए वन आर वी वेटिंग फॉर हम जो है uh, जल्दी जल्दी इसको करेंगे ठीक है ना तो पहले के अंदर क्या है डू यू प्ले हम इसमें के अंदर क्या लिख देंगे वेयर डू यू प्ले ठीक है दूसरा क्या है हमारा है डू यू गेट अप हम इसके अंदर क्या लिखेंगे वेन डू यू गेट अप आप कितने बजे जो है उठ पाते हैं ठीक है ना फिर उसके बाद क्या है डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट ठीक है ना तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए क्या है ठीक है ना तो हम लिखेंगे वाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट आपके लिए ब्रेकफास्ट के लिए क्या है डू यू गो टू स्कूल ठीक है ना क्या आप स्कूल जाते हो ठीक है ना तो हम इसको क्या लिखेंगे हाउ डू यू गो टू स्कूल आप स्कूल कैसे जाते हो ठीक है देन वी डू यू लाइक बेस्ट बेस्ट इन द स्कूल गेम्स आर्ट आर म्यूजिक ठीक है ना तो हम इसको क्या लिखेंगे कि आपको ज्यादा क्या पसंद है स्कूल गेम्स में ठीक है ना वाट तुम्हें ज्यादा क्या पसंद है स्कूल गेम्स में आर्ट के म्यूजिक ठीक है हाँ चलिए फिर उसके बाद क्या है हमारा डैश डैश इज़ यू आर ठीक है ना तुम्हारा बर्थडे कब है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे वैन कब है वैन का मतलब होता है कब कब है तुम्हारा बर्थडे डैश डैश डू यू वांट फॉर योर बर्थडे तो तुम अपने बर्थडे के लिए क्या चाहते हो तो हम लिखेंगे वाट डू यू वांट डब्ल्यू एच ए टी वाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे बर्थ डे तुम्हें अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए तो ये वाली हमारी जो थी जो वाला क्वेश्चन हमारा हो गया लेट्स राइट का कंप्लीट एंड नाउ लेट्स राइट का अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ठीक है चलिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एंड देखते हैं इसको एंड इसको करते हैं सालो ठीक है वेल देर इज नो हरी द क्रीप इज वेरी स्मॉल इट वुड बी ए पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ ठीक है ना तो वेल well, एक्चुअल में जो है ये ये कौन कहते हैं दूसरे जीज़ कहते हैं कि ये जो क्रीपर है अभी बहुत छोटा छोटा है एंड ये गलत बात होगी अगर हम इस छोटे से क्रीपर को अभी खत्म कर दें सो दिस इज वेयर द वर्ल्ड जीज लिव तो ये जो जगह है वहीं पे जो है वाइल्ड जीज जो है रहता है चलिए हमें क्या लिखना है इसके आंसर लिखने हैं। तो हुड दिस ये वाली जो बात है ये वाली बात किसने कही है ये वाली बात कही है जितने भी जीज थे उन सब ने कही है आल जीज हम लिखेंगे आल द जीज सैड दीज वर्ड्स आल द जीज जीज सैड दीज वर्ड्स टी एच ई दीज वर्ड्स डब्ल्यू ओ आर टी एस ठीक है ना उसके बाद है ये किसने कहा है ये कहा है सो दिस इज सो दिस इज वेयर द वर्ल्ड जीज लियो तो ये जगह है यहां पे जहां पे वाइल्ड जी से रहते हैं तो ये बात किसने कही है ये बात कही है हंटर ने दी हंटर सैड दीज वर्ड तो इसका क्या लिखेंगे हम दी हंटर ये बात किसने कही है हंटर ने ओके नाउ टू होम वाज इट सैड ये बात किसको कही कही गई है ठीक है ना तो इसको हम क्या लिखेंगे टू वाइज टू वाइज ओल्ड बर्ड ओल्ड बर्ड जो इनमें से वाइज ओल्ड बोर्ड था सभी ने मिलके जो है इसको कही थी ये बात किसको कही है ये बात इसने कही है टू हेम खुद को कही है टू हेम शिकारी ने जे वाली बात की जहां पे तो जहां पे रहते हैं जे सभी जीज तो ये बात उसने एक्चुअल में खुद से कही थी वेन वाज इट सैड ये बात कब कही गई थी ये बात कही गई थी वेन द क्रीपर वाज स्मॉल एंड टेंडर यह बात कही गई थी वेन करीपर करीपर वाज समाल एंड टेंडर ठीक है ना जब जो करीपर था छोटा था तब ये बात कही गई थी उस वक्त की बात है ठीक है तो यह बात कब कही गई थी वेन हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट वेन हंटर वेंट डब्ल्यू वेंट टू द फॉरेस्ट एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट वन मॉर्निंग वन मॉर्निंग जब एक सुबह जो हंटर होता है वो फॉरेस्ट में चला जाता है तब ये बात वो कहता है तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज ड्रा पिक्चर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ द एबोलाइंस ठीक है ना ये जो यहाँ पे हमें जो है हंटर की इमेज बनानी है एंड यहाँ पे हमें किसकी इमेज बनानी है ये बनानी है हमें जो जीज के जीज की वर्ड ने

हाँ, फिर झुकने से पहले पहले देखो दिस मीन्स दैट वी शुड थिंक केयरफुली बिफोर वी टेक एन एक्शन जब हमें जो है ध्यान से सोचना होगा जब भी हमें कभी एक्शन लेते हैं तो लुक बिफोर लीप का मतलब होता है हमें पहले केयरफुली चीज़ों को सोचना होगा जब भी हम कोई एक्शन देते हैं हेयर आर पॉपुलर इंग्लिश प्रोवर्ब्स ऐसे ही इंग्लिश प्रोवर्ब्स नीचे कुछ दिए गए हैं आप ऊंचे से पढ़िए दोस्तों के साथ डिस्कस करिए ओल्ड इज गोल्ड जो पुरानी चीज होती है वो सोना होती है. ठीक है? Uh, have, saw, so ठीक है ना जैसे ही आप जो है जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे ठीक है यूनिटी इज स्ट्रेंथ जो यूनिटी होती है इतफाक में ताकत होती है ठीक है यूनाइटेड भी स्टेट डिवाइडेड भी फॉल ठीक है ना अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे अगर हम डिवाइड हो जाएंगे तो हम जो है बिखर जाएंगे ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए तो ये है इनको कहते हैं हम प्रवर और दूसरी लैंग्वेज हिंदी उर्दू में हम इनको कहते हैं कहावतें ठीक है लुक एट दिस प्रोवर वेल दैट वेल ठीक है ना आल्स वेल दैट वेल डिस्कस इट मीन्स इसका मतलब समझिए क्या होता है कैन यू थिंक ऑफ इवेंट्स हैपनिंग्स इन द लाइफ दिस परूज क्या आप कुछ ऐसे इवेंट सोच सकते हो जहाँ पे परवरभ जो है आपका यूज़ होता हो राइट आउन जो आर स्टोरी ऑन द इवेंट कोई स्टोरी जो है आप लिखिए उस इवेंट पे देन रीड द पैराग्राफ टू यूर नेबर ठीक है ना देन आप जो है इस पैराग्राफ को स्टडी करिए आल्वेल दैट एंडल ठीक है ना जो चीज़ अच्छे से खत्म होती है वो सब अगर अच्छे से कोई चीज़ खत्म होती है तो इसका मतलब जो उसके अंदर प्रोसेस था वो सब अच्छे से खत्म हुआ तो ये था परवरभ जिसका मतलब हमें जो है खुद जो है इस पर एक स्टोरी लिखनी ठीक है तो फन टाइम है इसलिए हमने जो है करने की जरूरत नहीं है द क्लैप वर्ड गेम तो क्लैप वर्ड गेम है अब लेट्स प्ले द क्लैप वर्ड गेम ये वाली जो क्लैप वर्ड गेम है हमें इसको पढ़ना है वेयर द वर्ड प्रोड्यूस वन साउंड क्लैप वंस ठीक है ना जहां पे जो प्रोड्यूस जो वर्ड्स हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो हमें एक बार जो है क्लैप करना है एज इन करीब क्लैप ट इफ द वर्ड कैन बी ब्रोकन अप एंड टू टू सेलेबल्स ठीक है ना एज इन क्री पर ठीक है ना creeper पर दो वर्ड्स हैं तो दो बार हम ताली दो बार हम क्लैप करेंगे ताली लगाएंगे ठीक है ना thrice एज इन tomorrow, ठीक है ना? ठीक है? Tomorrow में तीन सेलेबल हैं, तीन ब्रेक्स हैं तो हम तीन बार जो है ताली लगाएंगे क्री पर क्री पर दो वर्ड्स दो बार ताली लगाएंगे स्ट्रो गो एक ना? इस बार तीन चार बार इसमें हम तीन बार लगाएंगे जीज चीज में हम एक बार निकाल लगाएंगे ठीक है ना फ्लिश एक बार लगाएंगे थ्रो एक बार लगाएंगे ठीक है ना पॉसिबल ठीक है ना पॉसिबल में हम कितनी बार लगाएंगे तीन बार पॉसिबल ठीक है ना तीन बार हम ताली लगाएंगे इस पर नोट नो ट तो इसमें हम तीन बार लगाएंगे केयरफुली ठीक है ना केयरफुली में हम दो बार लगाएंगे फ्लैप्ड फ्लैप्ड में हम दो बार लगाएंगे फ्लैप ठीक है ना रिटर्नड तो रिटर्नड इस तीन बार लगाएंगे इव, तो इव, निंग, इवनिंग में हम दो बार लगाएंगे ठीक है ट्रैप्ड में हम दो बार लगाएंगे सर प्राइज ठीक है ना इसमें हम दो बार ताली बजाएंगे तो ये हमें ताली बजानी थी जितने सेलबल होंगे उतनी बार हमें ताली बजानी है ठीक है ना तो चलिए ये वाला हमारा जो चैप्टर जो यूनिट था हमारा सेकंड इसके साथ ही हो गया कंप्लीट तो कैसा लगा बच्चों ये वाला हमारा सिलेबस जो है यूनिट कंप्लीट हो गया अब हम जो है मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में जिसके हम नेक्स्ट यूनिट को स्टडी करेंगे तो मिलते हैं तब तक के लिए बगर जरूरी है आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम मिले तो सबसे पहले आप से हम कनेक्ट हो पाए तो वेल मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय